जवाब दीजिए सर। यहाँ पे चार लोगों का मर्डर हो चुका है। गुड मॉर्निंग सर। बैड मॉर्निंग। रात को 4 बजे सोया था, सुबह 6 बजे तेरा फोन आया। देखो आंखों की क्या हालत हो गई है। देखो। हाँ सर। कितने थे? 4 थे सर, सारे रसूल गैंग के थे। सलमान, राशिद, बंटी, आदिल। शहर में इन लोगों ने कई लोगों के मर्डर्स किए थे। हमारी पुलिस फोर्स की नाक में दम कर रखा था। परसों जो मेट्रो ट्रेन में हादसा हुआ था रेप केस का, उसमें भी इन्हीं लोगों का हाथ था। पुलिस को कई बार चकमा देकर ये लोग जेल से भाग निकले थे। आज हमारे हाथ लगी गए और इनकी कहानी खत्म हो गई। सुनो ना मैडम, एक टेक और लो ना। क्यों सर? क्योंकि मैं थोड़ा मिर्च मसाला और डालना चाहता हूँ। जब तक दाल में तड़का ना लगे बिल्कुल मजा नहीं आता। नमस्ते नायडू सर, आप यहाँ कैसे? ये एरिया तो हमारा है। एरिया तुम्हारा है, काम हम सबका है, आना तो पड़ेगा ही। पिछले 2 महीने से थाने में बैठ के हम सिर्फ लूडो खेल रहे हैं। हमारे लिए कोई तो काम छोड़िए आप। करेक्ट। तुम लोग एक काम करो, जाके मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बोलो। ओके। मतलब पुलिस की नौकरी मैंने आपको चाय पिलाने के लिए की थी? इस बेचारे को तो देखो, इतने देर से सोच रहा है केस तुम लोग सॉल्व करोगे या हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे कंफ्यूज होकर देख रहा है। अरे ये तो सवेरे से ही ऐसे देख रहा है। एक तो सैलरी पूरी नहीं मिलती, ऊपर से आप जेब काट रहे हैं। सर ये ऐसा ही है, सभी की जेब काटता है। करेक्ट, इसीलिए तो सब मुझे मेंटल नायक कहते हैं। नहीं नहीं, आपके बारे में नहीं सर, हम तो अपनी बात कर रहे थे। ए पांडू, एम्बुलेंस मंगवा। ए हटिए 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 सब लोग, चलिए पीछे पीछे पीछे। रत्नाकर सर, वो सामने जो कंटेनर दिख रहा है कब ब्लास्ट हुआ है? कल रात को ब्लास्ट हुआ था सर। वहीं से शुरू हुआ है सारा खेल। रत्नाकर सर, इसे कैसे मारा है पता है? मैं इसे संभाल लूंगा। फट गई? इतनी फटती है तो फटे में हाथ क्यों डाल? नहीं सर। चल अब तेरा टॉक टाइम यहीं खत्म हो रहा है। ये बेचारा तो बीच में अटक गया। ये भाग्यशाली आखिर में मरा। इसे टीका लगाने की बहुत इच्छा थी, मरते समय भी टीका लगा के मरा। बोल तो ऐसे रहा है जैसे सारे मर्डर इसने खुद करवाए। वो आ रहा है सर। इन्हें क्यों मारा होगा सर? डोंट वरी, सब पता चल जाएगा। जस्ट वेट। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इमेजिनेशन भी करना चाहिए। सर, अरे इसका बाप गूगल है क्या? तू एक काम कर, वहां जाके पब्लिक हटा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आइए बैठिए।
और बताइए आनंद साहब, कैसा चल रहा है रियल एस्टेट का बिजनेस? बहुत ठंडा है सर। धमकी दी होगी, कॉल आया होगा। किसका सर? गैंग वालों का। जो लोग चार पैसा कमाते हैं उनको जिस तरह के धमकी भरे कॉल आते हैं ना, वैसे ही कोई कॉल आपको भी आया था क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी फिल्म का गाना है ये बताओ? मुझे नहीं पता सर। अरे कोई बात नहीं, अब जरा इसे सुनिए। कान खोल के सुन ले, अगर कल तक 2 करोड़ रुपए मेरे आदमियों को नहीं भेजा तो तेरे परिवार का एक भी आदमी जिंदा नहीं बच पाएगा, और इसका कारण मैं नहीं तो खुद होगा। नहीं भाई मुझे जाने दो। अब ये डायलॉग किस फिल्म का है पता है आपको? नहीं पता सर। रत्ना उन लोगों से कहो दरवाजा बंद करके अपना काम करें। ठीक है सर, बताओ। क्या करें सर, सच उगलवाने के लिए ये करना पड़ता है। वो सर, रसूल ने मेरे परिवार को मारने की बात कही है इसलिए। पैसे देने के बाद तुम्हें मारने के लिए उन्होंने किसे भेजा? नहीं सर, मैंने तो नहीं भेजा। अच्छा, सच कह रहा हूँ सर। वहाँ क्या हुआ सब सच सच बता दो। जब मैं वहाँ पहुँचा, दो करोड़ है। मैं पैसे देके निकल गया सर। पैसे देते वक्त क्या वो आदमी वहाँ अकेला था? हाँ सर। कोई और नहीं था? कोई नहीं सर। अच्छा तो रत्ना, इनके जाने के बाद वहाँ क्या हुआ पता है? गर्मी ले रहा है क्या? ये अपुन का पैसा है। मुर्दे कभी पैसे लेकर नहीं जाते। तू निकल, मैं इसे संभाल लूंगा। बैग ले जाके भाई को देना, मैं शाम तक वहां पहुंच जाऊंगा। ये है सारी कहानी। सबको मार कर वो पैसे लेकर वहां से चंपत हो गया। हम इसे भले छोड़ दें, पर वो रसूल नहीं छोड़ेगा। उसे लगता है उन चारों को इन्होंने ही मारा है। मुझे बचा लीजिए सर। रसूल कहाँ है? बैंकॉक में सर, वहीं से उसने फोन किया था। उसके यहाँ आने से पहले तुम कहीं छुप जाओ। जाओ। 2 करोड़? वो इतने पैसों का क्या करेगा? अरे सर? यार मजे करेगा और क्या करेगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनु हरि, ओम सूर्य देवाय नमः। अरे क्या हुआ चारी, ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे सांप देख लिया। अरे दादी सांप होता तो भी चलता, उसे गले में डाल लेता। हाँ? पर मछली आ गई और कुंड हो गया अपवित्र। अरे चारी सवेरे सवेरे क्यों चिल्ला रहा है? अरे चिल्ला नहीं रहे, हम बता रहे हैं, मछली ने कुंड को भ्रष्ट कर दिया है। जरूर दाल में कुछ काला है, किसी ने तालाब में आकर मछली को पाला है। ओम नमः शिवाय। अरे बेटा मछली तो है, वो पानी में नहीं रहेगी तो और कहाँ रहेगी? अरे तो मछलियों का हमने ठेका ले रखा है। सांप कछुआ मगरमच्छ चलेगा पर मछली नहीं चलेगी। अरे मछलियों को पानी से बाहर निकाल दोगे तो वो कहाँ जाएंगी? बोल तो ऐसे रहो जैसे आपके रिश्तेदार है। इतना दुख हो रहा है तो घर ले जाइए। भले ही सूर्यदेव पश्चिम से क्यों ना हो गए, ये मछली तालाब में नहीं रहेगी। निर्णय कर लीजिए, आपको मछली चाहिए या चारी? क्या हुआ चारी, सारा मठ सर पे उठा के रख दिया, क्या नौटंकी चल रही है? भाई लागू गुरुजी, बात यह है कि पूजा करते समय हाथ में मछली आ गई, वही मेरे मुख में चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, खा के उसका स्वाद चखता। आई हो गुरुजी। भ्रष्ट लोग यही कहते हैं लेकिन हमने कभी नहीं खाया। अच्छा अभी ये सब छोड़ो, वहाँ फिल्म भरत के लिए देर हो रही है, चल जल्दी। बड़ा मुर्गा है, देर हो गई तो दक्षिणा काट के लोटा थमा देगा। चारी ने आज तक देरी नहीं की, समय का पहिया रुक सकता लेकिन चारी का नहीं, ये सभी जानते हैं। ये क्या गोविंद जी, आपका बेटा तो राय का हिमालय बना रहा है। तो समझा के हार गया हूँ, मत तुम ही समझाओ ना। क्यों उनसे जबान लड़ाता है, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो तुझे निकाल देंगे। अरे कैसे निकालेगा दादी, भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता क्या फूल गोभी भी नहीं हिलती। अरे चारी इन सब बातों पे मिट्टी डाल। और याद रख उन्होंने हमें 1 लाख रुपए कर्ज दिया है, ये उनका उपकार है, उनके दिए हुए पैसे से ही हमारा घर चल रहा है। और 2 साल से मेरा वेतन जो खा रहा है उसका हिसाब कौन करेगा? तो दे दे। अभी तो फूटी कौड़ी भी नहीं है दादी। हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ, जब तक पैसा वापस नहीं लौटा देते जैसा कह रहा है कर। ठीक है और मछलियों का क्या? अरे हम कुंड को साफ करवा देंगे, तू जा। चलो उतरो। रामगढ़ के शोले, क्या नाम रखा है, गब्बर तो वहाँ से भाग गया। रामगढ़ के शोले नहीं देखे लेकिन छोले जरूर खाए। हाँ। कच्ची कैरी का मसाला और पुदीने की चटनी के साथ। अरे बांगड़ू गब्बर वाला रामगढ़। अरे गुरुजी मैं भी रामगढ़ की ही बात कर रहा हूँ, पिछली बार छोला खाने गया था, 2 बंदूक की गोली निकली उसमें। अब दिमाग की बत्ती जली, जरूर वो कोई रामगढ़ का डाकू होगा जो छोले बना के खिला रहा होगा। मौसी से भेंट हुई क्या? हाँ। क्या बात है, कटीली कटारी। पंडित जी कहाँ उल्टे फेरे लगा रहे थे, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अबे पंडित मैं हूँ कि तू, मुहूर्त से पहले आएंगे तो अपशगुन होता है। प्रोड्यूसर कहाँ है? अरे सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं, एक्टर राइटर ऑल इन वन वही है, नाम है 55 जी। अरे तो हीरोइन भी बन जाता ना चनिया चोली पहन के। है? चारी सॉरी बोलता बहुत है। 55 बाबा, 55 बाबा, 55 बाबा।
आइए आइए सेल्फी लीजिए सेल्फी। गुड मॉर्निंग बॉस। इतना फूल बर्बाद किया, अब तक हम चार शादी कर लिए होते। चोंच बंद करने तो दक्षिणा कट हो जाएगी। चोंच बंद करेंगे तो मंत्र कैसे पढ़ेंगे? ओम लक्ष्मी माताए नमः, ओम सरस्वती माताए नमः, ओम नारायणाय नमः। अरे सुनिए, ओ हेलो, आइए नारियल उठाइए और भगवान का नाम लेकर फोड़िए। जी जय हो गंगा मैया, हर हर महादेव। धन्यवाद पंडित जी, आपकी पिक्चर सफलता के झंडे गाड़े, हमारा हृदय से आशीर्वाद। दक्षिणा दे हम प्रस्थान करें, दो टिकट कटा है, शमशान में उनकी अंतिम क्रिया करवानी है। आप शाम को आ जाइए, मैं मैडम से कह के आपको पैसे दिलवा दूंगा। आज नकद कल उधार, बिना दक्षिणा के हम नहीं जाने वाले। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। लोरा वाला जाएंगे चिक्की खाने। अरे अरे कितने लीचड़ हो बे, हमको उधार लड़की को कार। कट 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 कट, इतना साहस लीचड़ का। और नहीं तो क्या कहें, होदा पहाड़ निकली चुहिया। जानते हैं मेरा दक्षिणा नहीं दे रहे, खा गए हैं और चले हैं फिल्म बनाने। पता नहीं क्यों दुनिया वाले इनको सिर पर चढ़ा कर रखते। अरे भाई ये सब क्या लफड़ा है। मैंने कहा पैसे शाम को ले लीजिए पर मना कर दिया। देखो पंडित जी, वहाँ स्विमिंग पूल पर हमारी मैडम बैठी है, उनसे जाके चेक ले लो। कोई चेक वेक नहीं चलेगा, अगर बाउंस हो गया तो। कुछ और मांगो। 100 बोरी चावल दे। पता नहीं सवेरे सवेरे किसका मुंह देखे थे। आए हो भैया, कहीं वो चेक वाली मैडम यही तो नहीं है। अरे 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 अरे, खुद तो डूबेगी, मेरा 15,000 का चेक भी लेके डूबेगी। जय गंगा मैया। 15,000 के चेक के लिए आत्महत्या करना चाहती है? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? चलिए 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 और पास आइए। क्या कर रहे हो? मुख से मुख मिलाएंगे, आपका फेफड़ा फुलाएंगे, सांस लेने में कठिनाई नहीं होगी। ए, किसे पूछ के हाथ लगाया मुझे? एक बात बताइए मैडम, खुपड़िया में भूसा भरा है, अगर कोई मर रहा है तो उसे जाकर बचाना चाहिए या जाके ये पूछें बचाएं क्या? स्वीटी, तुम हार गई। ये क्या किया तुमने? बैठ हार गई ना मैं, पैसा तुम्हारा बाप देगा। अरे बापरे, कसम से हमको नहीं पता था, हमको तो लगा कि आप डूब रही हैं। शट अप। मैडम जी ये क्रोध शोभा नहीं देता, क्योंकि आपकी पीठ के पीछे एक बड़ा सा तेल है। हा? अर्थात जानती हैं, छैल छबीला वर मिलेगा। क्या मतलब? अरे हाँ बाबा, ये शास्त्र में लिखा है, नहीं समझी ना कहानी हलाओ। बंद करो, तुम यहाँ आए क्यों हो? अरे दक्षिणा लेने के लिए, छप्पन जी ने कहा मेरी पोती जी से ले लीजिए। चलिए शीघ्र दीजिए। मैं उनकी पोती नहीं हूँ, वो है। क्या? ओके ओके स्वीटी, तुम 10,000 हार गई हो ना, इसे दे दो। चलो। एक बात बताइए, आपके शर्त के चक्कर में आपकी जान चली जाती तब क्या होता? ये हमारा रोज का कार्य है, तुम नहीं समझोगे। ये लो 10,000। बाकी के 5,000? मेरी पीठ पे जो तिल देखा था, 5,000 उसके। फिर तो जिसे विवाह करोगी वो लुट जाएगा। भाग यहाँ से। एक तो करेला, वो भी नीम चढ़ा, भगवान ही जाने इसका क्या होगा।